हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सादिकाबाद में मां की ममता मर गई, दो बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। लड़का जा बहक, 3 साल बच्ची बच गई मगर हालत तश्वीशनाक, अस्पताल में इलाज जारी। ड्रग तरमीमी बिल के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में केमिस्ट एसोसिएशन के दूसरे रोज की जुजी हड़ताल, आवाम को अद्वियात के हसूल में मुश्किल का सामना। सेनेट इलेक्शन में वोट फरोख करने का इल्जाम, एमकेएम की दिल बर्दाश्ता एमपीए शाजिया फारूक की मुबैना खुदकुशी की कोशिश, नींद की गोलियां खा ली, अस्पताल में इलाज के बाद डिस्चार्ज। बेटे मोहम्मद फारूक के मुताबिक वालदा जहनी दबाव का शिकार थी, उन्होंने सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया बल्कि जाया किया। कुछ इखलाफत की वजह से उन्होंने किसी को वोट कास्ट नहीं किया, लेकिन वो असेंबली जरूर गई थी, तो इसलिए कुछ लोगों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए ये साजिश करी कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट कास्ट किया। कोई इल्ज़ाम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, सांस की प्रॉब्लम है थोड़ी, तो इसी वजह से वो बात दिल पर ले गई और उनकी तबीयत बिगड़ गई। शाजिया फारूक इन 6 अरकान असेंबली में शामिल हैं जिन्हें एमकेएम ने वोट फरोख करने के इल्जाम में नोटिस जारी किए हैं। चमन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, कल अदम तंजीम के 4 दहशतगर्द मारे गए, अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए थे, 2 खुदकुश जैकेट्स और असलहा भी बरामद। सुप्रीम कोर्ट में नून लीगी रहनुमा दानियाल अजीज और तलाल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज फिर होगी, दोनों रहनुमा अदालत में जवाब जमा करा चुके हैं।